गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जॉब्सटुडे में। तो दोस्तों, आज फिर से बात करने वाले अपन, आज है 26 सितंबर और आज की मोस्ट इंपोर्टेंट जितनी भी करेंट अफेयर होगी फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, 2 दिन से जो है करेंट अफेयर की क्लास नहीं आई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। जैसे जैसे इसकी क्लास चलेगी, मैं उसका भी 2 दिन का जो भी करेंट अफेयर बचा हुआ है मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज जो है सबसे पहले बात करेंगे करेंट अफेयर के बारे में, जो भी यहाँ पे आज की मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है। और दोस्तों, उससे पहले आप लोग इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ सबसे पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि पत्रकारिता के लिए जो है वह गैरी लंकेश जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है प्रत्येक वर्ष, वह इस साल जो है 2019 में किसे मिला है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये जो है गैरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है। और ये जो है वह रवीश कुमार जी को दिया गया है। ये रवीश कुमार जो है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है, वो बहुत अच्छे जो है यहाँ पे पत्रकारिता यानी कि पत्रकार हैं। और इन्हें जो है हाल ही में 2019 के लिए जो है वह रेमंड मैगसेस पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो है वह गैरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वह प्रत्येक वर्ष वह गैरी लंकेश मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे फैक्ट बता रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो ज़रूर इसे सारी जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी है उसे नोट ज़रूर कीजिए, एक बार फिर से उसे रिवाइज ज़रूर किया कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेडीज़ फ्रेंच ओपन में लेटर का खिताब किसने जीता। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वह लेडी फ्रेंच जो है ओपन जो लेट का खिताब किसने जीता, उनका नाम बताना आपको। तो इसके राइट आंसर हो जाएगी नेली कोड, ठीक है। नेली कोड जो है उन्होंने लेडी फ्रेंच का लेट खिताब जीता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि लेट का जो यहाँ पे मीनिंग होता है वह होता है लेडीज़ यूरोपियन टूर, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार जो है किसे दिया गया है। तो फीफा जो है वो फुटबॉल के क्षेत्र में जो दिया जाता है, और आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार जो है 2019 का वह किस व्यक्ति को मिला है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी लियोनेल मेसी, ठीक है। ये बहुत ही विख्यात और प्रचलित फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, और इनके बारे में कुछ आपको बता दूँ, ये जो है बार्सिलोना के रहने वाले हैं, ठीक है। और ये जो है इन्हें ये छठी बार जो है वह सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी फीफा की तरफ से यहाँ पे पुरस्कार मिला है। इससे पहले इन्हें 2019 में 9 में मिला था, उसके बाद 2010 में, उसके बाद 2011 में, फिर 12 में, और उसके बाद 15 में, और 4 साल के बाद यानी कि 2019 में छठी बार इन्हें प्रदान किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये जो है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं फुटबॉल के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है इनसाइड ट्रेडिंग के लिए अरबिंदो फार्मा और प्रवर्तकों पर जो है जुर्माना किस बैंक के द्वारा लगाया गया है। तो ये जो है वह इनसाइड ट्रेडिंग के लिए जो है इन दोनों बैंकों पे जो है इन दोनों संस्थाओं पे जो है वह किस बैंक के द्वारा जो है यहाँ पे वह जुर्माना लगाया गया है। करीब जो है 22 करोड़ से भी ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया है। तो आपको बता दूँ इसकी राइट आंसर हो जाएगी सेबी, ठीक है। सेबी के द्वारा जो है वह लगाया गया है इन दोनों जो संस्था है उन पे जुर्माना, और करीब जो 22 करोड़ से भी अधिक जो है यहाँ पे जुर्माना यहाँ पे लगाया गया है। अगर फ्रेंड्स बात करें अगर सेबी की, तो सेबी का मुख्यालय जो है वह मुंबई में है, ठीक है। कहाँ है फ्रेंड्स? मुंबई में है, और इसका जो है अध्यक्ष वह अजय त्यागी जी हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अजय त्यागी जी जो है इसके अध्यक्ष, और सेबी का जो मुख्यालय वह मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह किस अभिनेता को जो है वह 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दूं 2019 में जो है किस व्यक्ति को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाना किया गया है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी अमिताभ बच्चन, ठीक है। अमिताभ बच्चन को जो है इनसे सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो हर कोई बताता है आपको, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें बता दूँ, ये जो है इसमें क्या क्या चीज़ दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में, वो मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ आपको। कि एक स्वर्ण कमल, जिसे हम गोल्डन लोटस भी कहते हैं इंग्लिश में, तो एक जो है पुरस्कार के तौर पे एक वो दिया जाता है। उसके बाद एक शॉल चादर जो होता है वो दिया जाता है, और 10 लाख नगद जो है रुपया वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तौर पे वो भी दिया जाता है, ठीक है। और बता दूँ अमिताभ बच्चन को जो है 1984 ईस्वी में
जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, उसके 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, फिर जो है 2015 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, उसके बाद जो है 2019 में दादा साहब फाल्के से इन्हें नवाजा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, और आपको बता दूँ दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है वह 1969 ईस्वी से किया जा रहा है, और यह पुरस्कार सर्वप्रथम जो है वह देविका रानी को दिया गया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, ज़रूर आप लोग ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत और किस देश के बीच जो है वह तिड़ी सेवाएं टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास जो नवंबर में आयोजित किया जाएगा, तो ये जो है तिड़ी सेवाएं वह टाइगर ट्रम्प जो है किस मतलब कौन कौन से भारत और कौन से और देश के साथ ये आयोजित किया जाएगा, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी अमेरिका। ठीक है, ये जो है भारत और अमेरिका के बीच तिड़ी सेवाएं टाइगर ट्रम्प अभ्यास जो है नवंबर में आयोजित किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी मिस हो चुकी है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए। यहाँ पे होगा होता एम फी, ठीक है, AMFI एम फी यहाँ पे होगा, आप लोग थोड़ा ध्यान में देखिएगा और आप लोग मैनेज कर सकते हैं इसे। एमपी जो है यह नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, एमपी का जो है वह नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसकी राइट आंसर क्या होगी फ्रेंड्स, इसकी राइट आंसर हो जाएगी नीलेश शाह को। ठीक है फ्रेंड्स, नीलेश शाह को जो है वह एमपी के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है, और एमपी का यहाँ पे जो है वह फुल फॉर्म हो जाता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ठीक है, ये जो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के जो है वह अध्यक्ष जो है नीलेश शाह जी को बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि गिनी बिसाऊ गणराज्य के अगले भारतीय राजदूत कौन है, गिनी बिसाऊ जो है वह गणराज्य जो है उसके जो नए भारतीय राजदूत कौन बनेंगे, तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, इसकी राइट आंसर हो जाएगी गुंडवावर्ती वेंगटर श्री निवास। ठीक है, तो श्रीनिवास जी जो है वह गिनी बिसाऊ का गणराज्य के जो है वह अगले भारतीय राजदूत होंगे। अगर फ्रेंड्स इसके बारे में अगर बात करें कि गिनी बिसाऊ गणराज्य जो है वह कौन से जो है वह महाद्वीप में है, तो ये अफ्रीका जो है वह पश्चिम अफ्रीका में ये पड़ता है, और इससे कुछ रिलेटेड अब बातें बता दूँ, गिनी बिसाऊ के जो है राष्ट्रपति वह हैं जोस मॉरियो बॉज, और प्रधानमंत्री जो है वह है अरस्टिड गेम्स, और इसकी राजधानी जो है वह है बिसाऊ, और मुद्रा की बात करें तो पश्चिम अफ्रीका कैफ जो होती है फ्रेंक वो इसकी मुद्रा है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्कोलोवो फ्राइट ग्रैंड फिक्स खिताब 2019 का किसने जीता है, स्कोलोवो जो है फ्राइट गेम खिताब वह किसने जीता है, ये जो है वह शतरंज के क्षेत्र में जो है वह ये खिताब मिलती है, और आपको बता दूँ इसकी राइट आंसर क्या होगी, इसकी राइट आंसर हो जाएगी कोनूर हम्पी। ठीक है, ये जो है भारतीय खिलाड़ी हैं कोनूर हम्पी, और इन्हें जो है वह स्कोलोवो फ्राइड ग्रेंड से फिक्स खिताब जीता है, और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। 2019 का सट्रा रामानुजम पुरस्कार जो है वह किससे दिया गया है, तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ रामाजू ये जो सट्रा रामानुजन पुरस्कार है वह प्रत्येक वर्ष जो है वह भारत के द्वारा दिया जाता है, जो कि एक अच्छे गणितज्ञ को दिया जाता है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वह रामानुजन के नाम सुने भी होंगे, और ये एक बहुत अच्छे गणितज्ञ थे, और गणितज्ञ के क्षेत्र में जो है वह जो 36 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति हैं और जो रामानुजन के कुछ यहाँ पे जो है रिलेटेड काम करते हैं उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, इसकी राइट आंसर हो जाएगी फ्रेंड्स एडम हर्फर्ड। ठीक है, हर्फर्ड जो है उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है 2019 का, और ये जो है वह यूएसए के रहने वाले। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें आनंद कुमार जी को, तो इनको जो है 2014 में यह पुरस्कार दिया गया था, कितना में फ्रेंड्स 2014 में। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इन्हें जो है वह रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ जो होगी पहली महिला लेफ्टिनेंट कर्नल कौन बनी है। ठीक है, यहाँ पे जो है लेफ्टिनेंट कर्नल होगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भारत के जो है पहली महिला लेफ्टिनेंट कर्नल कौन बनी है,
यहाँ पे लेफ्टिनेंट होगा, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल कौन बनी है फ्रेंड्स, तो ये जो है वो पोंग डोमिंग है, ठीक है, ये जो है पोंग डोमिंग है। और ये और फ्रेंड्स ये जो है वो असम के रहने वाली हैं, ठीक है, पोंग डेमिंग। और आपको बता दूं भारतीय जो है वह थल सेना के अध्यक्ष बिपिन रावत है वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जीता वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, इसकी राइट आंसर हो जाएगी मणिपुर, ठीक है। ये जो है वह जीता राष्ट्र जो वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2019 की जो है वह मणिपुर के द्वारा जीती गई है, जो कि रेलवे को हरा के इन्होंने जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में जो है गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के द्वारा जो है यह किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस व्यक्ति को 2019 में जो है ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जो है वो ऐलान कुछ दिन पहले यानी कि करीब 8 से 10 रोज़ पहले किया गया था, और इसकी राइट आंसर श्री नरेंद्र मोदी हो जाएगी, ठीक है। नरेंद्र मोदी को जो है 2019 का ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब थोड़ी इनसे कुछ रिलेटेड आपको बातें बता दूँ, इन्हें जो है यह पुरस्कार बिल एंड मेलिडा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसके मालिक जो हैं वो बिल गेट्स और मेंडिला जो उनकी पत्नी है वो हैं, ठीक है। और इन्हें जो है यह पुरस्कार इसलिए दिया जा रहा है कि इन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान जो है शुरू किया था, इसके लिए इन्हें दिया गया था। और यह जो है प्रत्येक वर्ष वैसे व्यक्तियों को दिया जाता है, वैसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो किसी अपने देश में वह नेता हो और साथ में वो अपने देश के लिए कुछ जो है अच्छे काम कर रहे हों, ठीक है, तो इसके लिए वो जो है दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी आज की, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।